हेलो स्टूडेंट्स, ने लास्ट जो आपने वीडियो देखा होगा था वो उसमें सिर्फ हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, आइसोस्टेटिक जो डिस्टरबेंस है, ठीक है, उसके वजह से क्यों अर्थक्वेक आते हैं। फोर्थ जो रीजन है, फोर्थ जो कारण है वो है आपका जड़ीय भार। जड़ीय भार के वजह से भी जो है आपको धरती कम जो देखने के लिए मिलते हैं। अभी यहाँ पे जड़ीय भार वाले क्षेत्र की हम इसके रीजन की अगर कॉज की हम बात करें तो जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पे भी आपके अगर कोई क्षेत्र है जहां पे आपके पहले कोई झील नहीं है, ठीक है, कोई सरोवर नहीं है, वहां पे एक अगर झील या सरोवर बन जाती है और उसके अंदर जो पानी इकट्ठा होता है इतनी ज्यादा मात्रा के अंदर, तो उस वजह से भी एक नीचे का जो भूगर्भिक हेरफेर होगी, नीचे का जो सिचुएशन है जमीन की सतह के नीचे जो है वहां पे वजन बढ़ जाएगा, उसका भार बढ़ जाएगा, प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलता है। इवन एंथ्रोपोजेनिक भी कई रीजंस हैं, मानव के वजह से भी जड़ीय भार बढ़ जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे जो बहुमुखी परियोजनाएं हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जिसके अंदर आपके डैम्स बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं नदियों के ऊपर बहुत बड़े बड़े, ठीक है, ये बांध जो है बिजली को उत्पादन करने के लिए मुख्यतः बनाया जाता है। तो ऐसे जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं वहां पे ये प्रेशर जो है, उस पानी का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जो कि नीचे की जो सतह है उसके ऊपर काफी ज्यादा वजन डालता है, जिस वजह से भी वहां पे आपको धरती कमजोर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि जब मैंने तुम्हें बताया था 1967 के अंदर एक कोयना के में जो आया था भूकंप, तो कोयना के अंदर एक डैम है, उसके वजह से आपको वहां पे ये भूकंप देखने के लिए मिला। सेम ऐसा ही हम हिमालयस की जो नदियां हैं उन पे से निकलने वाली जो नदियां हैं उस पे जो बनाए गए बांध हैं, जैसे कि टेहरी डैम बहुत फेमस है, ठीक है, बहुत बड़ा बांध है, वहां पे जनरली जो भूकंप है, धरती कंप जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा डैम है, इतना बड़ा बांध है कि इतनी ज्यादा मात्रा के अंदर पानी संरक्षित करके रखा गया है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर वाटर वहां पे स्टोर करके रखा गया है, जिस वजह से वहां पे धरती कंप आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगला जो कारण है जिस वजह से धरती कंप आते हैं वो है भूपटल में सिंकुड़न। ठीक है, आपका जो क्रस्ट है, क्रस्ट के अंदर जो कंप्रेशन का जो प्रोसेस होता है उस वजह से भी ये होता है। जैसे कि हमें पता है, हमने जब पृथ्वी के निर्माण के बारे में बात करी थी कि पृथ्वी पहले जो है वो द्रव्य रूप के अंदर थी, धीरे धीरे वो ठंडी हुई। ठीक है, जब वो ठंडी हुई तो ऊपरी जो एक ठोस परत है जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं या पृथ्वी नो पोपड़ो बोलते हैं, उसका निर्माण हुआ। तो ये धीरे धीरे जो ठंडे होने की उसकी जो प्रक्रिया थी, ठीक है, ये उसका जो टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, उसका कूलिंग डाउन का जो प्रोसेस था, ठीक है, इस प्रोसेस के वजह से पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसके ऊपर सिंकुड़न हुआ, उसके ऊपर एक कंप्रेशन जो है होने के वजह से, और साथ ही साथ ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जब प्रक्रिया हो रही है तो आपके माउंटेन्स का फॉर्मेशन होने के वजह से, सी फ्लोर स्प्रेडिंग होने के वजह से, समुद्र का विस्तार होने के वजह से भी आपको धरती कंप जो है वो सामान्यतः देखे जाते हैं। साथ ही साथ ये भी अनुमान लगाया जाता है, देयर इज आल्सो वन कंसेप्शन दैट कि आपके जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो मिलते हैं, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है, तेजोदार पदार्थ इनको बोलते हैं, ये जो पदार्थ है इनके अंदर होने वाली विघटन की जो क्रिया है, ठीक है, इससे उत्पन्न वाले उससे टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाता है, इससे ताप की उत्पत्ति हो जाती है, तो उनके खास होने के वजह से, उसके टेम्परेचर के रिड्यूस होने के वजह से भी जो पृथ्वी की ऊपरी जो पोपड़ो है, ये जो ऊपरी परत है, इसके ठंडे होने के वजह से भी हमें धरती कंप जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। फिर आपका गैसों का फैलाव, आपके जो गैसेस हैं, गैसेस के डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से भी आपको अर्थक्वेक्स देखने के लिए मिलते हैं। पृथ्वी की जो सतह है, जमीनी जो भाग है, जब बारिश वगैरह होती है तो पानी रिस करके नीचे चला जाता है, ठीक है, वाटर जो है रेनफॉल के बाद इनफिल्ट्रेशन होकर के जमीन के अंदर चला जाता है, वो भूजल बनाता है, ये आपका ग्राउंड वाटर का जो है फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन उसी के नीचे वो जो पानी जा रहा है उसके नीचे अगर कहीं से लावा या मैग्मा जा रहा हो या फिर वहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो, ठीक है, तो उस वजह से वो जो पानी है वो गैस के अंदर
ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वाटर वेपर्स बन जाते हैं। और ये जो वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, जब भी आपका पानी जो है वो जड़ वाष्प के अंदर परिवर्तित होगा, व्हेनेवर द वाटर गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू वाटर वेपर, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है, उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। और वैसे में वो क्या करता है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसके ऊपर प्रेशर डालता है, उसके ऊपर दबाव डालता है, जिस वजह से भी, तो इसमें क्या हुआ है कि गैसें फैल रही हैं, ठीक है, गैसों का फैलाव हो रहा है, जिस वजह से पृथ्वी के ऊपर जो है कंपन आपको देखने के लिए मिलती है। अगला हम बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेट टेक्टोनिक का जो सिद्धांत है, जो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है, ठीक है, इसके बारे में हम जब ज्वालामुखी के बारे में पढ़ रहे थे तभी भी मैंने तुम्हें बताया था कि हम प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत में हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी की ये जो परत है इसके ऊपर ये जो ऊपरी जो परत है, क्रस्ट जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग प्लेट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है, मेजर प्लेट्स हैं, माइनर प्लेट्स हैं, बृहत प्लेटें हैं और नानी प्लेटें हैं इसके अंदर। इसके अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको इतना साइंटिफिक इसके अंदर जानने की जरूरत नहीं है, ये आपके इलेक्टिव टू में है। तो ये प्लेट्स हम देखें तो देखेंगे तो इन प्लेट के ऊपर जनरली आपको दो टाइप का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, या हम कह सकते हैं तीन टाइप का मूवमेंट जो है देखने के लिए मिलता है। पहला क्या मूवमेंट हम इसके अंदर देखेंगे कि दो प्लेटें जो है आमने सामने अगर टकरा रही हैं, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स, विनाशकारी प्लेट ना किनारा। दूसरा आप देखोगे कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही, जब दूसरे एक दूसरे से दूर जाती है तो उनको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन्स, या फिर आपके कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, या इनको बोलते हैं रचनात्मक प्लेट ना किनारा, ठीक है, क्योंकि जब दूर जा रही है तो कोई नई चीज का निर्माण हो रहा है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव प्लेट। तीसरा होता है आपके जब दो प्लेटें एक दूसरे के साथ सिर्फ आमने साथ में इधर उधर खिसकती है, ठीक है, तो ऐसे ये जब हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट ना किनारा की बात करें, रचनात्मक प्लेट ना किनारा की बात करें, तो वैसे में क्या होता है कि जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और दूर जाने के वजह से नीचे वाला जो पदार्थ है, ठीक है, क्योंकि ये दूर जाएंगी तो उसके ऊपर दबाव कम हो जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, और ये प्रेशर जब कम होता है तब क्या होता है, नीचे वाला जो मटेरियल है उसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है। ये बोलते हैं ना, उसके अंदर में डिस्कस किया था, तो मेल्टिंग पॉइंट जब रिड्यूस हो जाता है तो लावा मैग्मा आपका बाहर निकलता है। तो ये एक जो इन प्लेटों के अंदर एक जो अस्थिरता आई, ये वहां पे जो प्रेशर रिड्यूस हुआ, दबाव मुक्ति की जो प्रक्रिया हमें वहां पे देखने के लिए मिलती है, उस वजह से आपको धरती कम देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर जो आपको शो किया गया है कितने अच्छे से कि ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, ठीके? ये एक दूसरे से यहाँ पे दूर जा रही हैं और दूर जाने से बीच में क्या हो रहा है, बीच में रिफ्ट वैली फॉर्म हो रही है, आपके रिफ्ट खीण का निर्माण हो रहा है। और जब ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो उस वजह से क्या हो रहा है, नीचे का जो पदार्थ है, नीचे जो गर्म पदार्थ है, कोई भी हॉट मैटर है नीचे, आइदर मैग्मा लावा, वो ऊपर राइज हो जाता है, ऊपर उठने लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे में इसका जो खिसकना है और इसका ये जो ऊपर उठना है, उस वजह से यहाँ पे आपको धरती कंप या भूकंप जो है देखने के लिए मिलेंगे। तो ये इसके अलावा जब यहाँ पे देखो ये दो प्लेट्स जो है वो आमने सामने टकरा रही है, जब दो प्लेट आमने सामने टकराएंगी तो क्या होगा, आपके पहाड़ों का निर्माण होगा, ठीक है, माउंटेन्स आर गेटिंग फॉर्म्ड व्हेन द टू प्लेट्स आर डिस्ट्रक्टिंग ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन। तो वैसे में ये जो फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें भी लावा मैग्मा क्या है, आपके ऊपर उठ रहा है, ठीक है, तो ऐसे में भी आपके यहाँ पे जो अर्थक्वेक है, धरती कंप आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कम ऊंधाई वाले हैं, और इन क्षेत्र के अंदर अगर हम देखोगे तो ये ज्यादा ऊंधाई वाले, ठीक है, आपके डीपर अर्थक्वेक्स है, और यहाँ पे आपको शैलो अर्थक्वेक्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो मेजर हम बात करें ये मैग्मा के ऊपर उठने के वजह से जो धरती कंप आते हैं, मुख्यतः इनकी जो ऊंधाई होती है, इनकी जो डेप्थ होती है 25 to 35 किलोमीटर तक हमें देखने के लिए मिलती है, कभी कभी 160 किलोमीटर डेप्थ पे भी हमें इस टाइप के जो वॉल्केनोज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। जबकि डिस्ट्रक्टिव प्लेट किनारा की अगर हम बात करें, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन की हम बात करें, विनाशकारी
प्लेट ना जो किनारा है उसकी जब हम बात करें, जो कि आपस में टकराते हैं, आपस में टकराने की वजह से एक प्लेट जो है वो नीचे चली जाती है, ठीक है, उसका सबडक्शन हो जाता है और दूसरी प्लेट जो है वो ऊपर उठ जाती है और पहाड़ों का निर्माण हो जाता है। ऐसे में जब हम देखते हैं वहां पे तो आने वाले जो धरती कंप है वो काफी ज्यादा गहराई वाले होते हैं, ऊंडाई वाले होते हैं, अराउंड 100 किलोमीटर से तो गहरे ही इस प्रकार के जो धरती कंप हमें देखने के लिए मिलेंगे। कभी कभी इनकी डेप्थ अराउंड 720 किलोमीटर की डेप्थ तक, 720 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी हमें देखने के लिए मिलती है। तो ऐसा आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो प्रशांत सागर की मेखला है या मध्य महाद्वीपीय जो पेटियां हैं वहां पे इस प्रकार की स्थिति आती है। ये हम धरती कंप का कैसे विश्व के अंदर वितरण है उसके अंदर जब हम बात करेंगे तो हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। इवन जो 26 जनवरी 2001 को भुज का जो भूकंप आया था वो भी दो प्लेट के आमने सामने टकराने की वजह से, वो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स थे, उस वजह से इनकी उत्पत्ति हमें देखने के लिए मिली थी। तो ये मुख्य कारण है जिस वजह से आपके जो है धरती कंप आते हैं, जिसके बारे में हमने इसके अंदर डिस्कस किया। अभी हम बात करते हैं सामान्य भूकंप आने के जो कारण है, इसके अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर बात करेंगे हम। पहली चीज, धरती कंप को जो नापते हैं, अर्थक्वेक को जो नापा जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसे बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, पूछता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के अंदर, उसमें पूछता है आपसे, उसे क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। ठीक है, फिर धरती कंप को जिस इकाई के अंदर नापा जाता है, जिस यूनिट के अंदर इसको नापा जाता है, इसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। ठीक है, ये भी पूछते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन के अंदर कि रिक्टर स्केल की धरती कंप को किसमें नापा जाएगा, रिक्टर स्केल का जो पैमाना है उसके द्वारा ये हमें नापने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि सामान्य जो भूकंप आते हैं, जनरली बहुत स्लो ट्रेमर, बहुत ही धीमे जो भूकंप आते हैं वो किस वजह से भी, और भी दूसरे कारण हो सकते हैं जिस वजह से हमें देखने के लिए मिले, जिसमें पहला है तुम्हारे सागर तटीय भाग जो है, ठीक है, वहां पे सागरी लहरों के टकराने की वजह से भी, आपके कोस्टल एरियाज जो है वहां पे जो वेव्स आती हैं उसके तट के ऊपर वो जो टकराती हैं, ठीक है, उस वजह से भी कई बार वहां पे हल्का कंपन जो है आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आपके सुनामीज आने की वजह से, धरती कंप की वजह से सुनामीज आ जाते हैं, ठीक है, सुनामीज, और सुनामीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे इनफैक्ट बाद में। तो सुनामी जब आती है तो सुनामी से काफी बड़ी बड़ी मोजा उत्पन्न हो जाती है, तो ये बड़ी बड़ी मोजा जब तट पे किसी दरिया किनारे पे कोस्टल कोस्ट पे आकर के स्ट्राइक करती हैं, तो वैसे में भी आपको वहां पे भूकंप देखने के लिए मिलते हैं। फिर आपके चूने की चट्टाने जहाँ पे है, चूना पत्थर के खड़कों जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, लाइमस्टोन रॉक्स देखने के लिए मिलते हैं। लाइमस्टोन रॉक्स जो होती है वो बहुत जल्दी अगर बारिश हो या पानी आए तो खिसक करके नीचे गिर जाती है, तो वहां पे भी आपको जनरली धरती कंप जो वो देखने के लिए मिलते हैं। फिर आपके ग्लेशियर जो रीजन है, पर्वतीय भाग के अंदर जहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, हिमखंड हैं, ठीक है, उनके भी खिसकने से, उनके भी डिस्प्लेसमेंट के पोजीशन चेंज होने की वजह से भी आपको ऐसा देखने के लिए मिलता है। फिर पृथ्वी जो आप घूर्णन कर रही है, जो परिभ्रमण कर रही है, ठीक है, उसके वजह से भी आपको हल्के झटके महसूस हो सकते हैं। फिर आपके सामान्य भूकंप कई बारी अगर मानव सर्जित कारण की वजह से, यानी कि कहीं पे कोई विस्फोट हो रहा है, कोई परीक्षण वगैरह किया जा रहा है, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर आपके सड़क बनाने के लिए किया जाता है, या फिर आपके कोई रेल मार्ग बनाने के लिए किया जाता है, या फिर कोई सुरंग वगैरह खोदने के लिए, खादानी के लिए, कोई आपके क्वेरिंग एक्टिविटी जो हो रही है, तो उस वजह से भी आपको धरती कंप जो है वो देखने के लिए मिलते हैं सामान्य। और इवन आप रेलवे स्टेशन के नजदीक के क्षेत्रों में अगर देखें तो वहां पे जो काफी स्पीड से जो जाने वाली ट्रेन्स हैं, ठीक है, काफी तेज गति से जो ट्रेन्स जाती हैं, तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे हल्के हल्के आपको झटके देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सामान्य कारण है जिस वजह से आपके धरती कंप जो है वो आते हैं। तो ये वाला पाठ हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे धरती कंपनों वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। ठीक है, थैंक यू।